शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। आज देख रहे हैं कि ग्वार कॉम्प्लेक्स में हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। आपके अकॉर्डिंग और एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक आज ग्वार गम ग्वार सीड में कैसा माहौल रह सकता है, तेजी रहेगी या मंदी? देखिए, ग्वार सीड के अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, क्योंकि ग्वार सीड हमेशा या ग्रीड और पैनिक दोनों क्रिएट करता है, यानी लालच और घबराहट। और जो ये लालच और घबराहट से अपने आप को ऊपर कर लेता है, क्षमताओं के हिसाब से काम करता है, वो ग्वार सीड में हमेशा मुनाफा कमाने की स्थिति में रहते हैं। लेकिन घबराहट के अंदर जल्दी माल बेचना, डबल से माल बेच देना, या लालच करके अपनी क्षमताओं से चार गुना, 10 गुना, 20 गुना माल खरीद लेना एनसीडीएक्स में, वो हमेशा ग्वार के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। क्योंकि ग्वार सीड एक ऐसी कमोडिटी है, इसके अंदर फंडामेंटल काम करते हैं, लेकिन जब एनसीडीएक्स के ऊपर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं तो कोई फंडामेंटल कुछ समय के लिए स्टैंड स्टिल हो जाते हैं और उसमें कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमेशा से ग्वार सीड के लिए मैं हमेशा यही कहता हूं, क्षमताओं के आधार पर समझ के काम कर लें। आपको ग्वार सीड वो पैसा दे सकता है जो दूसरा कोई नहीं दे सकता, लेकिन आपने क्षमताओं से ऊपर काम किया, घबराहट के अंदर डबल से सेल किया, एडवांस में सेल किया, तो आपको परेशानियां बढ़ सकती हैं। और यही चीज ग्रीड में यानी लालच में, आपकी क्षमता 2 लॉट करने की है, 20 टन माल लेने की है, आपने 200 टन माल ले रखा है, 2000 टन माल ले रखा है, 20000 टन माल ले रखा है, क्षमता है नहीं, ऐसी स्थिति के अंदर जैसी सी मार्केट में गिरावट आएगी तो आप निश्चित रूप से माने उस टाइम परेशानी होगी। और एक चीज और मैं दर्शकों को अखिलेश जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, व्यवहार है स्ट्रेस का, और जो व्यापारी स्ट्रेस नहीं झेल सकता वो निश्चित रूप से व्यापारी तो नहीं हो सकता। व्यापार के अंदर हमेशा स्ट्रेस के बगैर कोई व्यापार हो नहीं सकता, और जिसको स्ट्रेस नहीं चाहिए वो अपना नहीं करे, वो ट्रेड नहीं करे, उतार चढ़ाव तो आएंगे। तो आज मैं आपके माध्यम से ये कह सकता हूं कि ग्वार सीड के अंदर मुझे कमजोरी की संभावना नजर नहीं आ रही है। आज इंटरडे के अंदर अच्छी आज मूवमेंट ठीक बनती है, और आगे भी जो लोग को रोक सकते हैं ताकत के हिसाब से वो जरूर रोक के रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनके पास क्षमता नहीं है वो ग्वार सीड से बाहर निकल जाए, क्योंकि ग्वार सीड हमेशा ऊपर और नीचे दोनों तरफ लोगों को लेके जाता है, और जो स्ट्रेस झेल लेता है, क्षमता के संभाल लेता है, वो ग्वार के अंदर सिकंदर हो जाता है। जी, फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।